एक्सरसाइज 3 है जिसमें बोर्ड मास पूछा है कुछ बच्चों ने, सर बोर्ड मास को समझा दीजिए। तो बोर्ड मास के बारे में बात करते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास जो होता है BODMAS, इसको हम बोर्ड मास बोलते हैं। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, यानी कि जो भी ब्रैकेट होंगे, ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के हमारे। स्मॉल ब्रैकेट ये होता है, ये मिडिल ब्रैकेट भी होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये होता है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट्स आपके होते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं तो फर्स्टली हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम ये करेंगे या ये। तो आपको बताना है कि ये जो लार्ज ब्रैकेट होता है इसके अंदर ये होता है और इसके अंदर ये। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद होगा कर्ली और उसके बाद होगा लार्ज। अगर तीनों में से कोई एक दिया है तो सबसे पहले वो होगा, अगर तीनों दिए हैं तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके, सेकेंड नंबर होता है ऑफ। ऑफ से मतलब क्या होता है, ऑफ ऑफ का क्या करें, ऑफ क्या। तो ऑफ का सीधा सा मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ये मल्टीप्लाई से पहले होगा। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 × 5 × 6, तो इट मींस पहले 6 का 5 में होगा, उसके बाद 5 का 3 में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 3 का 5 में हम कर दें तो नहीं होगा, क्या 3 × 5, और इसका इसमें मल्टीप्लाई यहां भी होगा, लेकिन इसके साथ हो जाएगा पहले 30 × 3, ये होगा 15 × 6 नहीं होगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है ऑफ के साथ। नेक्स्ट है आपका डी, डी फॉर डिवाइड। डिवाइड पता है, मल्टीप्लाई एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर एड, यानी जो भी क्वेश्चन के अंदर एड होते हैं वो सारे हम एड करने हैं, और लास्ट होता है एस, एस फॉर सबट्रैक्ट, जो भी यहां बचता है उसको सबट्रैक्ट। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3F एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है 27 − 9 × कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है −18, फिर डिवाइडेड बाई 4 + 5 ब्रैकेट के अंदर, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहां देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ये है, यहां है और यहां है। तो हम पहली स्टेप में सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 27 से 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 27 से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आता है। ओके, उसके बाद ये आपका ब्रैकेट फिनिश हो गया, तो मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट अभी लगा हुआ है, इसको अगर हम हटाएं तो ये −18 ही रहेगा, डिवाइडेड इसको इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये पहले क्या है स्मॉल ब्रैकेट, तो 5 और 4 = 9। ठीक है, अगला स्टेप बनेगा 18 × अब इसको हमें हटाना है तो इसका इसमें डिवाइड करना होगा, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18 − 2। इसको हम हटा भी दें तो ये −2 रहेगा, तो −2 का मल्टीप्लाई 9 में करना है तो −36, ये आपका आंसर हो जाता है। ये इसका एक करने का प्रोसेस है। स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10 इसका दिया गया है, जिसमें आपको देखना है तो 73 ऑफ ऑफ दिया है, उसके बाद फिर लार्ज ब्रैकेट है, फिर 85 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर यहाँ ऑफ है, और स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट तीनों क्लोज है। तो इसमें इस क्वेश्चन में सारी चीजें आ रही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट होना चाहिए, तो पहले अगर हम देखें तो ब्रैकेट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे फिनिश हो रहा है। इसके अंदर भी मैंने बोला था पहले छोटा होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट ये रहा 73 ऑफ, ये ब्रैकेट लगाया 85 माइनस, ये कर्ली लगाया, अभी ये भी सॉल्व नहीं होगा, 6 × 7 + 23 स्मॉल, ये रहा स्मॉल को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट होगा, ऑफ नहीं होगा, तो अगर हम देखें तो 23 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, देखो 23 − 4 ऑफ − 5। इस क्वेश्चन के सिर्फ इतना ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और ऑफ दिया है, तो पहले ऑफ होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो बोर्ड मास में ब्रैकेट ब्रैकेट से बाद में ऑफ आता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो हम पहले ऑफ करेंगे, तो 5 × 4 = 20 होता है, लेकिन माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होता है। अब यहां से यहां तक का आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, ये था। आगे देखें तो 73 ऑफ, बाकी को हम कोई टच नहीं करते हैं, वो सेम रहता है 6 × 7 + इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43।
ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट ही है। अब यहां देखते हैं तो 73 ऑफ ये, यहां पर 85 माइनस, इसमें अगर हम देखें तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 6 × 5, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले होगा 6 × 7 = 42 + 43, और ये लास्ट ब्रैकेट। अब आगे बढ़े तो 73 ऑफ 85 माइनस, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट यहां से फिनिश हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 85। अब यहां देखें तो 73 ऑफ, अब ये कर्ली ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो 85 है दोनों जीरो हो जाएंगे। ओके, अब आया आपका ऑफ, तो 73 ऑफ मतलब 73 में जीरो का मल्टीप्लाई करें तो जीरो। तो यहां देखने वाली, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पहले ऑफ आ रहा था ब्रैकेट के बाद, और देखिए ऑफ शुरू से लेकर आखिरी तक सेम चला, पहले नहीं हुआ, तो ये ध्यान देना आपको है कि हमें पहले इसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रैकेट के अंदर घुस गए तो उसके अंदर भी बोर्ड मास ही लगेगा हर चीज के अंदर।